हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे सिकाची इंडस्ट्रीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, फिर आते हैं हम लोग चार्ट्स पे और डिसाइड करते हैं कि क्या लेवल्स के अंदर हम लोग इसके अंदर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और आने वाले समय में इसके क्या पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं। तो अगर हम लोग कंपनी की बात करें और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है 907 CR के आसपास। तो कंपनी अगर मतलब बात करें यहाँ से एक्सपेंशन होता है कंपनी में तो एक अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी और स्विंग ट्रेड पर्पस से भी, मतलब पोजिशनल पर्पस से। और यहाँ स्टॉक की वैल्यूएशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे करेक्शन हुआ है स्टॉक की, मतलब प्राइस जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। मैक्सिमम करके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं 500 लेवल से आके आज 250 से 300 और लेवल्स पे आके यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब कंपनी की बात करें प्रोडक्ट्स की, अगर स्पेसिफिकली एक एक हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी डिटेल्स में, और एक एक रॉ मटेरियल को समझना भी थोड़ा सा यहाँ पे कठिन हो जाएगा। बात करें कौन कौन के इंडस्ट्री को सर्व करता है तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं, केमिकल, कॉस्मेटिक, फूड एंड न्यूट्रिशन, फार्मास्यूटिकल्स। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि काफी कितने इंडस्ट्रीज होगा यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, तो चार इंडस्ट्रीज के लिए तरह तरह के केमिकल्स ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और स्टॉक की रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें जो कि एक एफिशिएंसी रेशियो है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को दर्शाता है, तो वो यहाँ पे अच्छी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग हेल्दी है, सेल्स ग्रोथ काफी यहाँ पे अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन यहाँ पे अच्छी है। तो मतलब इन चीजों को अगर देखें तो कंपनी काफी हेल्दी काम कर रही है और उसकी वैल्यूएशन कंपनी की थोड़ी सी लोअर साइड पे है। तो यहाँ पे एक ये हमें थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है कि अगर इन लेवल्स पे अगर हम लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि हमारा पैसा यहाँ पे डूबेगा। डिविडेंड कंपनी देखेंगे तो ठीक ठीक पे कर रही है, बहुत ज्यादा तो नहीं है बट फिर भी ठीक है। और यहाँ देखेंगे CAGR ग्रोथ, मतलब प्रॉफिटेबल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इनकी 5 साल की बहुत ज्यादा रह चुकी है। तो एक और यहाँ पे पॉजिटिव एक फैक्टर है, कंपनी के डेट्स बहुत कम है, उसके हिसाब से रिजर्व ठीक ठाक मेंटेन करके रखे हैं। यहाँ पे क्वार्टरली तो नहीं देखेंगे, सीधे आते हैं ईयरली सेल्स पे। तो 2017 पे इनका 81 था, यहाँ पे बढ़ के अब 286 के आसपास है। और यहाँ देखेंगे कि मार्जिन मार्जिन यहाँ पे ठीक ठाक इन्होंने मेंटेन करके रखा है। फार्मास्यूटिकल्स, वैसे एक चीज बताएं, फार्मास्यूटिकल्स में एक प्रॉब्लम जो आ सकती है अगर कंपनी के कॉल्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स में कभी कभी होता है कि कुछ अगर कोई कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किसी भी मतलब ड्रग का, तो जरूरी नहीं है कि वो ड्रग लाइफ लॉन्ग यूज हो। किसी मान लेते हैं कि अब अल्सर के लिए ये बनाते हैं ड्रग्स, तो जरूरी नहीं है कि इनके जो ड्रग्स आज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कल भी चले। हो सकता है कल को कोई और इम्प्रूव्ड वर्जन लेता है उस ड्रग का, तो वहां पे थोड़ा सा रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज हमारे लिए ये है, इसी कौन से निकल्स की आएगी कि वो ये है कि कई इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहा है यहाँ पे। अगर सिर्फ एक इंडस्ट्री करता है फार्मास्यूटिकल्स को तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें उस समय पता नहीं चल रहा कि वो थर्ड पार्टी कौन सी है जो इससे इम्प्रूव्ड वर्जन निकाल के लाई है उस ड्रग का, तो वहां पर ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार यहाँ पे बढ़ी है। अब नीचे आते हैं हम लोग शेयरहोल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल रही है, FIs की होल्डिंग 1% थी, यहाँ से कम होकर 0.8 हो गई है, DIs की होल्डिंग यहाँ पे बहुत कम हो गई है, सीधे गई है पब्लिक के पास। तो मतलब FIs DIs यहाँ से एग्जिट की है, तो ये थोड़ा सा एक बार मतलब इसके लिए रेड फ्लैग है। प्रमोटर्स की होल्डिंग हालांकि स्टेबल रही है। अब चलते हैं चार्ट्स पे, और यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो के एंड तक लाइक भी जरूर देना। अब यहाँ पे देखेंगे पिछली बार अगर आप लोग को याद हो तो 11th पे हम लोग एक ट्रायल लिए थे इस पे कि अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो एक बाइंग इनिशिएट करेंगे, हालांकि इसका स्टॉप लॉस हट हो गया, ये वापस नीचे आ गया, बट फिर भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो पिछली बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस ये है कि नीचे दाए इस लेवल के ब्रेक करके वो थोड़ी चांसेस की स्लिम है, मतलब कम चांसेस है। यहाँ पे चांसेस ज्यादा हाई ये है कि यहाँ लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो टेक्निकली बात करें तो पॉजिटिव है यहाँ पे, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी अच्छी है, बट थोड़ा सा एक चीज जो थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा वो ये है कि इंस्टीट्यूशन यहाँ से एग्जिट किए हैं, तो उसको एक बार थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा उसको देखेंगे। पिछली बार देखे थे तो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे इस चीज पे हम, बट यहाँ पे देखेंगे तो टेक्निकली वाइज बात करें तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है और उसी के साथ साथ एक ब्रेकआउट दिया, हम लोग को सेकंड चांस दिया, तो यहाँ पे फिर से एक हम लोग बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। वॉल्यूम फिर से यहाँ पे अच्छी आ रही है और अब की बार यहाँ से इन लेवल्स पे हम लोग को अगर ये मतलब फिर से मतलब क्या कहते हैं कि दोबारा रिवर्सल लेता है, स्टॉप लॉस हट जाता है, तो थोड़ा सा टाइम देखें बाद में देखा जाएगा, या फिर कोई इसी में दूसरी ट्रेड ढूंढी जाएगी, बट ये वाला ट्रेड फिर नहीं एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि 2 टाइम से ज्यादा हम किसी के मतलब बार बार हाथ पैर नहीं मारते वहां पे। तो
तो यहाँ देखेंगे ये लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिला है यहाँ से इन लेवल से। तो अभी क्या करना होगा, इन लेवल्स पे हम लोग बाइंग करेंगे। बाइंग करेंगे अगर मान लेते हैं कल इन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग मिल जाता है तो वहां से स्क्वायर ऑफ कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे खुलता है पॉजिटिव तो हम लोग उसके अंदर बाइंग करेंगे। सेम वही चीज करेंगे, अगर यहाँ से खुलने के बाद बावजूद नीचे आ जाता है तो उसी दिन स्क्वायर ऑफ कर देना पोजिशन, फिर 2 3 बाद देखा जाएगा। और अगर यहाँ से कल मतलब सक्सेसफुली यहाँ पे होल्ड कर लेता है इन लेवल्स पे, तो यहाँ पे हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना होगा। इन्हीं लेवल्स पे लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 200 EMA भी है और इन लेवल से ब्रेकआउट भी दिया है। एक थोड़ा सा देखेंगे हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया है, इन्हीं लेवल से ब्रेकआउट भी दिया। तो अगर इन लेवल्स पे दोबारा आ जाता है तो यहाँ पे हम अपनी पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो फिर से अब दोबारा ट्रेड लेनी होगी तो कुछ दिन बाद लेंगे इसके अंदर। अब सेकंड ट्रेड के बाद सेम ये वाली राउंडिंग बॉटम की ट्रेड तो यहाँ पे नहीं लेंगे। हो सकता है 330 वाले लेवल पे हम ट्राई कर लें, लेकिन इन लेवल्स पे नहीं करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा 330 का होगा, फिर 393 का होगा, और अल्टीमेटली टारगेट देखेंगे तो 633 तक का भी हो सकता है। काफी गिरा है यहाँ से स्टॉक, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। राउंडिंग बॉटम का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि जिन लेवल से गिरा है उन्हीं और लेवल्स पे दोबारा दोबारा आपको दिख सकता है 633 के आसपास। तो यहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे, पहला टारगेट होगा ये वाले लेवल्स का, दूसरा टारगेट होगा ये, स्टॉप लॉस होगा ये। कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हो। तब तक के लिए चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना कैपिटल तब तक सेफ रखना। ओके बाय।